हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अंकिता। आज मैं आपको नन्हियों के बारे में बताने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। नन्हियों, और आप इनको आप नोकिया के नाम से भी जान सकते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली एक सीरीज़ की थी, क्यूटी पाई सीरीज़। ऑफिशियली ये 21 इयर्स के हो गए हैं और अभी तक इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जस्ट 21 इयर्स के हैं। अभी ये जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का मास्टर कर रहे हैं। प्लस इनका एक ही सीरीज़ है, क्यूटी पाई सीरीज़। एंड इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये काफ़ी शाई पर्सन है। कई लोग इन्हें शिप करते हैं जी न्यू के नाम से, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस है, बट वो जी जो है यहाँ पे न्यू को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उसकी केयर करते हैं ताकि ये इंडस्ट्री ज़्यादा उनके साथ ब्रूटल ना हो जाए। तो अगर आपने क्यूटी पाई सीरीज़ देखी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी थी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट चीज़ हमें देखने को मिली। और भी स्कूल कॉलेज के जॉनरे के अलावा हमें सीईओ और एक स्कूल स्टूडेंट की जॉनरी दिखाई गई, जो कि बहुत ही अच्छी थी। नन्हू एक्टर तो काफ़ी अच्छे हैं, प्लस इनकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी सीरीज़ में ऑलरेडी 3 सॉन्ग्स जो है गाए हैं और क्रिएट भी किए हैं। इनका हाई नोट काफ़ी अच्छा है। सबसे मज़े की बात इनकी ये है कि ये हमारे BL इंडस्ट्री के जो सेंट है उसे रिजम्बल करते हैं। काफ़ी लोग स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ हो रहे थे, कहीं ये सेंट तो नहीं गाइज, ये सेंट नहीं है, ये नन्हू है। अलग पर्सनैलिटी है, अलग वॉइस है, और दोनों में हाइट में भी काफ़ी डिफरेंट। नन्हू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, सो मैं इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। सो दैट वॉज अ वीडियो गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन अन्यांग।